आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है मैरग्यूराइट डेजी। ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत इजीली टू ग्रो हो जाता है। छोटे से छोटे प्लांट में आपको फ्लावर मिल जाएगा। ये देखिए मेरा कितना छोटा सा प्लांट है, उसमें बड तैयार हो चुका है। वैसे तो फ्रेंड्स से काफी बड़ा हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। टॉप में फ्लावर आते हैं इस तरह से। ये ज्यादा केयर बिल्कुल नहीं मांगता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स इसे आप कटिंग डिवीजन और सीड्स से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर आता है। ये आमतौर पे फ्रेंड्स हीट टॉलरेट कर लेता है, मगर इसे जब ये विंटर जाने लगे तो इसे आप थोड़े शेडी एरिया में रखें, क्योंकि ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स इसे रेगुलरली वाटर करें, वरना इसके ब्लूम्स अच्छे नहीं आते। फेडेड फ्लावर्स की फ्रेंड्स पिचिंग करते रहें, बहुत अच्छे ब्लूम्स आते रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले मैंने सीड्स डाले थे, लेकिन अभी तक मेरे प्लांट्स निकले जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पे भी एक निकल रहा है। फ्रेंड्स इसे देख के हमें ये पता चलता है कि सीड से बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। मेरे बाकी प्लांट्स देखिए काफी बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी निकले जा रहे हैं। फ्रेंड्स अगर इसकी सॉइल की बात करो तो सॉइल इसे बिल्कुल वेल ड्रेन्ड चाहिए, ज्यादा पानी ना हो। पानी अगर आप देंगे तब भी चलेगा, लेकिन धूप से इसको ज्यादा नहीं चाहिए। फ्रेंड्स से बहुत ही बुशी हो जाते हैं। देखिए मैंने एक कॉर्नर में लगाए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं। पूरी एक फेंस टाइप की बना दी है इन्होंने। फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है, जरूर लगाएं। ये भी फरवरी का टाइम चल रहा है और मुझे छोटे से छोटे प्लांट में ब्लूम मिल रहे हैं। देखिए कितना सा प्लांट है और कितने सारे बड्स तैयार हो चुके हैं उससे। फ्रेंड्स इन्हें कम से कम 2 से 3 इंच की डिस्टेंस पे लगाइए, क्योंकि ये काफी बड़े हो जाते हैं। तो इसे जरूर लगाइएगा, बहुत ही सुंदर प्लांट है, इजी टू ग्रो है। अगर आपको ये वीडियो इस प्लांट के बारे में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।